भी चाहते तुम अपने काम में बहुत सफल हो, पर का सफल होने के लाने बाबा को जेल भेजना जरूरी है। एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर बोलो सहरी बाबू, का सच में हमारे बाबा तुम्हें बुरे आदमी लगत है कि जे के लाने उनको जेल जाने पड़े। हमारे बाबा बहुत भले आदमी है, माई नाना गांव वाले सबका ध्यान रखा थे। ऐसे बाबा को तुम जेल भेज दोगे सहरी बाबू? अनुषा बोलो। आयुष, मैं जानती हूँ तुम बहुत अपसेट हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ऑफिस में भी जाने से नहीं रोका। मुझे तुम्हें थोड़ा वर्क देना था। आई होप तुम बेटर फील कर रहे हो अब। मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलो ना। आयुष, अपसेट होने से स्टोरी तो वापस नहीं मिल जाएगी ना? बस यही समझो कि यही डेस्टिनी है। ढूंढ मारी आयुष, तुम्हें कोई और स्टोरी मिल जाएगी, इससे भी बेटर स्टोरी। पर ये स्टोरी गुम हो जाने से तुम्हारा करियर तो खत्म नहीं हो जाएगा ना? हम भी चाहते तुम अपने काम में बहुत सफल हो, पर का सफल होने के लाने बाबा को जेल भेजना जरूरी है। काबा, लगता है मोच आ गई। हाँ ऐसा, चल चल भी चल। हेलो, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ अनुषा, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आज ही कहती है कर भला सो हो भला। मुझे लगता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इसमें भी शायद कोई अच्छाई छुपी है जो हमें इस वक्त दिख नहीं रही। हो सकता है कि तुम्हारी भलाई हो ये स्टोरी ना छपने में, या शायद किसी और का फायदा हो अगर ये स्टोरी ना छपे। अगर वो पूरे होते तो आज तुम जिंदा नहीं होते। प्रताप ने तो तुम्हें कब का मार दिया होता। हमें को पूना भेज के तुम्हारे लाने सुरक्षित जगह को इंतजाम करने के बाद ही उसे निपटने हैं प्रताप से। आयुष, मैं जानती हूँ वो स्टोरी तुम्हारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि तुम्हें एक बड़ा जर्नलिस्ट बनना है, पर मेरे लिए उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम एक अच्छे और एक जेन्युइन जर्नलिस्ट बनो। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी तुम्हें, बस तुम्हें इसका ख्याल रखना है कि कोई भी स्टोरी की बुनियाद किसी के आंसुओं पे ना खड़े हो। ये कपड़ा पहन के फोटो खिंचवाने आए थे या हमारी फोटो खींचने आए थे तुम? अपने पुलिस को बुलाओ बाबा को पकड़ने के लिए। पर मैं जानती हूँ कि तुम अपने फायदे के लिए कभी भी किसी का गलत नहीं करोगे। तुम पर पूरा भरोसा है। भले ही लेट मिले पर तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी क्योंकि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। अनुषा, तुम नहीं जानती तुमने कितना बड़ा बोझ हल्का किया मेरे दिल का। थैंक यू सो मच। अच्छा अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। ओके बाय।
तुम एक अच्छे और एक जेन्युइन जर्नलिस्ट बनो, तुम्हें बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी। बस तुम्हें इसका ख्याल रखना है कि कोई भी स्टोरी की बुनियाद किसी के आंसुओं पे ना खड़े हो। सर बैकअप लेना भूल जाते हैं, मैं भी भूल गया। लैपटॉप के बाकी डेटा के साथ साथ सत्यकाम की फाइल भी डिलीट हो गई हमेशा के लिए। गुड मॉर्निंग अनुषा, मैंने पुणे पोस्ट का पूरा पेपर छान मारा, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक, लेकिन सत्यकाम से रिलेटेड कोई आर्टिकल नहीं है इसमें। मैं कितना एक्साइटेड थी पता है आयुष गोखले का नाम देखने के लिए, बट नो नथिंग। तुम देख लो, शायद तुम्हें मिल जाए। वो मॉम, आयुष की स्टोरी पब्लिश नहीं हुई। रियली? क्यों, क्या हुआ? आई नो, स्पेशल एडिशन छप रहा होगा ना, द ग्रेट स्टोरीज बाय द ग्रेट आयुष गोखले। अनुषा चुप क्यों हो? कल तो बहुत कॉन्फिडेंट थी तुम आयुष को लेकर, आज क्या हुआ? मॉम, आयुष की स्टोरी रेडी हो गई थी, वो सबमिट भी करने वाला था और फिर उसका लैपटॉप। प्लीज अनुषा, अब कोई भी स्टुपिड सा एक्सक्यूज देकर आयुष का फेलियर कवर करने की कोशिश मत कर। रीजन कुछ भी हो, रिजल्ट वही है जो मैंने कहा था। आयुष फेल नहीं हुआ है, उसकी बस एक स्टोरी पब्लिश नहीं हुई है और उसने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो। तुमने भी मुझसे एक प्रॉमिस किया था अनुषा। अगर इस स्टोरी से भी आयुष का कुछ नहीं हुआ तो तुम वही शादी करोगी जहां मैं कहूंगी। अगर आयुष की स्टोरी प्रिंट नहीं हुई तो तुम मेरी बात मानकर राहुल के साथ बाहर जाओ, कहीं तुम अपना प्रॉमिस तो नहीं भूली। आप कभी मुझे भूलने देती? एनीवेज, मुझे मेरा प्रॉमिस याद है। गुड, ट्रस्ट मी अनुषा, राहुल अच्छा लड़का है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम है। कितनी तारीफ करोगी आप उस राहुल की? वाह,
Whatever. मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, इसीलिए मैं वहां जाऊंगी। उससे ज्यादा मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ओके ओके। मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? श्योर। तुम एक बार राहुल से मिल तो लो अनुषा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आयुष गोखले नाम का चैप्टर तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। भी तो नहीं। झूठ मत बोल, तू कुछ तो देख रही थी। ये भी मेरी तरह अखबार के पन्नों में खोज रही होगी कि आयुष जी की कहानी कहीं छपी है या नहीं, जिसकी इतने दिनों से चर्चा हो रही थी। लेकिन बेटा, कोई कहानी नहीं छपी। देख लिया? जा काम कर। मैंने भी देख लिया है, आपके लाडले की कोई कहानी नहीं छपी। मैं तो उसे कब से कह रहा हूं कि इस प्रोफेशन में उसका कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जनाब सुनते कहां है, उन्हें तो जर्नलिस्ट बनने का भूत सवार है। आप भी ना हर बात पर उसे ही दोष देते हो। अब उसका लैपटॉप खराब हो गया, इसमें उसका क्या दोष? तो काम कर अपना। उनकी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। वो क्या है स्वाति जी, स्नेहा और संचित को गलत ठहराना आसान है, लेकिन खुद की गलती मानना बहुत मुश्किल है। अरे जब पता है कि इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है तो पहले बैकअप लेना चाहिए था ना। आई क्यों ना बोलूं, डरता हूं किसी से। अरे सच तो सच है ना। आयुष इधर आ। वो स्टोरी इंपॉर्टेंट थी ना, उसका बैकअप लेना चाहिए था ना। लिया तूने? लापरवाही की ना तूने? आप सही कह रहे हैं बाबा, मैंने ही लापरवाही की, गलती मेरी है। सुना, गलती मान ली है इसने। वहीनी को बता देना कि आयुष ने अपनी गलती मान ली है, वरना कहते रहेंगे फालतू में डांटता रहता हूं इसको। हाँ हाँ सबको बता दूंगी, पहले पूछो तो सही ये क्यों आया है। हाँ बोल, क्या काम है? मंदिर गया था भगवान से प्रार्थना करने की कल के हादसे के बाद एक नई शुरुआत कर सकूं। हो सके तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।